और यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर सियासत गरमाई हुई है। राज्य के विपक्षी दल मदरसों के सर्वे पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन युद्ध स्तर पर मदरसों के सर्वे में लगा हुआ है। योगी सरकार राज्य में मदरसों का मेगा सर्वे करा रही है। इसका मकसद गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की पहचान करना और उनकी फंडिंग का पता लगाना है। सीएम के इसी निर्देश पर सभी जिलों में अफसरों की टीम कस्बों और गाँव में मदरसों का सर्वे कर रही है। जांच के 12 बिंदुओं के आधार पर सर्वे किया जा रहा है। जांच में बस्ती जिले में चल रहे कुल 144 मदरसों में 22 मदरसे पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं पाए गए। 44 मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं। 144 में 122 मदरसे ऐसे हैं जो मदरसा पोर्टल पर विधिवत लाभ हैं, और जो 22 मदरसे हैं वो मान्यता प्राप्त हैं किंतु किसी किंचित कमियों के कारण वो मदरसा पोर्टल पर लाभ नहीं है। मदरसों के सर्वे में इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों की तादाद और उनकी फंडिंग पर फोकस किया जा रहा है। साथ ही मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ दूसरे विषयों पर पढ़ाई हो रही है या नहीं, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि कई मदरसों की जांच में पाया गया कि जिन सोसाइटी के नाम पर मदरसे चलाए जा रहे हैं उनका कोई अता पता ही नहीं। योगी सरकार के निर्देश पर राज्य भर में 10 अक्टूबर तक मदरसों का सर्वे पूरा करना है।